हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? ओके, हेलो स्टूडेंट्स, टेल मी, कैन यू हियर मी? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो हेलो टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। या ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन हम थोड़ा लेट हो गए। लेट्स क्रैक गेट एन ईएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी पे। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, सो दैट हम आज के टॉपिक को स्टार्ट कर पाए। हेलो वरुण, हेलो एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर स्टार्टिंग द कंटेंट। आई एम प्रियंका शर्मा, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 इयर्स फॉर गेट एंड ईएससी, मेंटर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स फॉर गेट एंड ईएससी सिंस 2012, क्रैक्ड गेट एग्जाम्स मल्टीपल टाइम एंड टेकन क्लासेस फॉर गेट एंड ईएससी एट डिफरेंट सेंटर्स ऑफ दी गेट अकेडमी बेंगलोर। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अब ले लीजिए आफ्टर यूजिंग माय कोड MathGET10। अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो आपको ये सारे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट है कि मैंने कोड यूज किया MathGET10 तो मुझे क्या क्या मिलेगा, मुझे क्या क्या मिलने वाला है, हम यहाँ पे सबसे पहला आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सबसे फर्स्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड GA का बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। पूरा स्ट्रक्चर मैनर में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जीए मैं पढ़ाऊंगी। स्टूडेंट्स, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। वर्कबुक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपके पास में अवेलेबल होगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी इन दो सब्जेक्ट्स की। तो अब इसके अलावा जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है आपके, सपोज यू आर फ्रॉम मैकेनिकल और यू आर फ्रॉम सिविल और यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, आप जिस किसी भी ब्रांच से हैं, आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच के जो अदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अलावा आपको एक्सेस मिलेगा जनरल स्टडीज का, मतलब जनरल साइंस का, इंग्लिश का। ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ईएससी तो उसके लिए इंग्लिश भी आता है, तो इंग्लिश का, तो आपको इन सारे सब्जेक्ट्स का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इवन ये सब्जेक्ट्स भी आपको कहाँ से पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं आई विल गाइड यू। ठीक है, सो टिल द डेट ऑफ गेट एग्जामिनेशन आई विल गिव यू द पर्सनल गाइडेंस स्टूडेंट, सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे डेली लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ योर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उसका रेस्पेक्टिव जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट है इसके अंदर, जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं उस ब्रांच के सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे ऑन अनअकैडमी। बाय डिफॉल्ट एवरी फोर्थ क्लास इज अ डाउट सॉल्विंग सेशन, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। प्लस इसके अलावा यू कैन लर्न वन सब्जेक्ट फॉर मल्टीपल फैकल्टी, दिस इज द वेरी गुड थिंग ऑन अनअकैडमी। ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको इंडिया में, राइट? सो यू कैन लर्न वन सब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल फैकल्टीज और मल्टीपल टाइम आप पढ़ सकते हैं। इनकेस अगर आपने कोई लाइव क्लास मिस कर दिया है तो आप उसको ऑफलाइन मोड में या रिकॉर्डेड वर्जन में भी देख सकते हैं। यू कैन लर्न एनी टाइम एनी वेयर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अन अकेडमी। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड योर फोन, आप कहीं भी है आप पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो माय नंबर इज 9460353789। ओके स्टूडेंट्स, सो गेट रेडी टू ज्वाइन अनअकैडमी क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है प्लस डैशबोर्ड पे। ठीक है, और वो कोर्स होगा आपको जो कुछ भी 7 टॉपिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आते हैं उन 7 टॉपिक्स को पूरा स्ट्रक्चर वे में पढ़ाया जाएगा। इस एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स को स्ट्रक्चर वे में पढ़ाया जाएगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए। फी स्ट्रक्चर जो है आपका 12 मंथ्स का वो 25,000 है, बट आफ्टर यूजिंग माई कोड MathGET10
आपको सिर्फ 22,500 ही पे करना है, ठीक है। और अगर आप 2 ईयर का लेना चाहते हैं तो वो 24 मंथ्स का 30,000 है, लेकिन ये आफ्टर यूजिंग द कोड इंस्टेंट 10% डिस्काउंट हो जाएगा, सो दैट आपको सिर्फ 27,000 ही पे करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और जुड़ जाइए। Alright, so this is the syllabus of engineering mathematics which gives you 15 marks, ठीक है, और बहुत अच्छा खासा वेटेज है इसका 15 marks का, sorry, तो ये 15 marks आप बहुत ही easily score कर पाएंगे। आप मेरे साथ इन 15 marks को score करने के लिए 200% effort देंगे, right? अगर आप मेरा code use करके मेरी team में आते हैं तो I will guide you students कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। सो फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज जैसा कि आपको पता है, कल भी हम प्रोबेबिलिटी पे डाइस क्या कार्ड्स वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, आज भी कुछ और कार्ड्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे बता दीजिए प्रोबेबिलिटी का मीनिंग। आप कहेंगे प्रिडिक्शन होता है, तो अब तक हम प्रिडिक्शन ही तो कर रहे थे। किस किस का प्रिडिक्शन हमने किया, हमने किया अभी तक डाइस वाले क्वेश्चंस का प्रेडिक्शन, हमने किया अभी तक किसका बॉस तो बाकी है, अभी तक डाइस का किया, कॉइंस का किया, ठीक है। कॉइंस वाले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, डाइस के कर चुके हैं, और अभी अभी चल रहा है कौन से कार्ड्स वाले क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन है, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑल वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, ठीक है, तो चलिए। यस, चांस, वेरी गुड। प्रिया कह रही है प्रोबेबिलिटी मींस प्रेडिक्शन और चांस, वेरी गुड। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी। बता दिया था प्रोबेबिलिटी का यूज कहाँ होता है और क्यों होता है। हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं जब कभी भी क्वेश्चन मुझे सेंस देगा अनसर्टेनिटी का, जब कभी भी क्वेश्चन में मुझे आस्क किया जाएगा चांस ऑफ विनिंग और चांस ऑफ लूजिंग, तो हम प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। जब नंबर ऑफ वेज डूइंग थिंग आर मेनी, किसी एक चीज को करने के चांसेस एक से ज्यादा होते हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो ये बेसिक चीजें हैं। कार्ड्स का मैंने आपको बता दिया था, डेक ऑफ कार्ड्स यहाँ होता है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। वैसे कार्ड्स के अंदर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हमने कल भी डिस्कस किए थे, क्योंकि कार्ड्स के अंदर अगर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी में से बात की जाए तो सबसे कम क्वेश्चन कार्ड में बनते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कार्ड के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो या तो डायरेक्टली बनेगा या फिर रिपीटेशन होगा क्वेश्चन का। जैसे हमने कल बात की थी जैक निकालना है, मुझे ओनली जैक फाइंड आउट करना है, तो अगर जैक निकालना है तो अब जैक वाला क्वेश्चन क्वीन में भी हो सकता है, जैक वाला क्वेश्चन किंग में भी हो सकता है, जैक वाला क्वेश्चन एस के लिए भी हो सकता है। तो इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कम है, राइट। तो कुछ क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं। टोटल मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें अगर किसी ने पूछा कलर, तो अगर कोई स्टूडेंट आज पहली बार अटेंड कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए 2 टाइप्स के कलर होते हैं, मतलब 2 कलर्स के कार्ड्स होते हैं, ब्लैक और रेड होता है। फिर उसने कैटेगरी पूछ ली तो आप कहेंगे कि 4 कैटेगरी के होते हैं, ब्लैक की 2 कैटेगरी होती है, रेड की 2 कैटेगरी होती है। ब्लैक होता है स्पैड और क्लब, और रेड होता है क्या, रेड होता है डायमंड और हट। ये सब चीजें हम कल पढ़ चुके हैं, जिस किसी ने भी कल का वीडियो नहीं देखा है पहले वो जाके देखे, ठीक है। यस, बिल्कुल पूछ सकते हैं राहुल, अगर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। राहुल, आपने ले लिया है क्या सब्सक्रिप्शन? राहुल, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है। सो आफ्टर दिस क्लास, ये हमारी क्लास 2 o'clock पे खत्म होगी। इफ यू रियली वांट टू नो अबाउट अनअकैडमी और सब्सक्रिप्शन, तो आप मुझे 2:15 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट नॉट ओनली राहुल, अगर कोई भी स्टूडेंट आज बात करना चाहे तो ही और शी कैन कॉल मी बिटवीन 2:15 to 5:15, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रिलेटेड टू एनी क्वेरी, आपकी कोई भी क्वेरी है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो ये चीजें हमने कुछ कल डिस्कस की थी। अच्छा, ये भी डिस्कस किया था इसके साथ साथ कि जैसे ब्लैक होते हैं टोटल 26, रेड होते हैं टोटल 26, लेकिन जब इसको कैटेगराइज कर देते हैं तो 13 स्पैड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 डायमंड होते हैं और 13 ही हार्ट होते हैं, राइट। तो आपको ये सारी चीजें पता है ऑलरेडी।
आप मुझे एक बात बता दीजिए, अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और इसके अंदर भी कैटेगरी बताई थी मैंने। कैटेगरी क्या बताई थी? कैटेगरी फर्स्ट थी नंबर कार्ड्स, इफ यू रिमेम्बर, नंबर कार्ड्स। फिर होता है फेस कार्ड्स, फिर होता है फेस कार्ड्स, फिर होता है ऑनर कार्ड। ठीक है, ऑनर कार्ड। तो टोटल 3 कैटेगरी के कार्ड्स होते हैं। नंबर कार्ड्स मतलब जिन पे डिजिट्स लिखा होता है, नंबर लिखा होता है। नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 2 से लेकर 10 तक होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 होता है, ये नंबर कार्ड्स कहलाते हैं। तो एक एक सेगमेंट के अंदर नंबर कार्ड्स कितने होते हैं? 9 होते हैं। रिमेम्बर, आप लोगों को ध्यान होगी ये बात, बिल्कुल सही बात है। फेस कार्ड क्या क्या होते हैं? फेस कार्ड में होता है किंग, क्वीन और जैक। इसके अंदर एस नहीं होता है, किंग, क्वीन और जैक होता है। ये रहे आपके फेस कार्ड। ठीक है, वेट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। फेस कार्ड ये रहे, फेस कार्ड में जैक जिन पे फेस बना हुआ है, क्वीन और किंग, ये फेस कार्ड होते हैं। एक कैटेगरी के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं तो टोटल हमारे पास में 12 फेस कार्ड होते हैं। और अगर आप एस को ऐड करना चाहते हैं तो एस को ऐड करने के बाद ये कहलाता है ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड मतलब हाईएस्ट वैल्यू कार्ड, जिनकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, हाईएस्ट वैल्यू कार्ड। इसमें होता है एस, किंग, क्वीन और जैक। कई कई स्टूडेंट्स एक गलती कर देते हैं, ये जो 10 होता है ना, इस 10 को भी क्या करते हैं, इस ऑनर कार्ड में ऐड कर देते हैं। वो सोचते हैं कि नंबर्स में तो सबसे बड़ा है ना ये। नहीं, जो 10 होगा वो सिर्फ नंबर कार्ड में रहेगा, या इसको डिजिट्स कार्ड भी बोलते हैं हम। ठीक है, ये डिजिट्स कार्ड होता है। फिर फेस कार्ड बता दिया आपको, किंग, क्वीन और जैक। इसमें ध्यान रखना है, इसमें एस नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है, फिर ऑनर कार्ड्स की बात की जाएगी तो ऑनर कार्ड्स मतलब हाईएस्ट वैल्यू कार्ड्स होते हैं। इसमें एस, किंग, क्वीन और जैक सब कुछ आता है, राइट? फेस कार्ड के क्वीन और जैक होते हैं, यस, फेस कार्ड में किंग, क्वीन और जैक होते हैं। स्वेच्छा, वेरी गुड, ऑलराइट। सो अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं, देन सबसे पहला काम करना है हिट द लाइक बटन। वीडियो को तुरंत से लाइक कर दीजिए और उसके बाद रेडी हो जाइए आज के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, करने के लिए, राइट? तो कुछ अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और अगर टाइम बच गया तो मुझे आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताना है, कॉइन वाला। ठीक है, जो हम लास्ट क्लास में कॉइन वाली में नहीं ले पाए थे, अगर टाइम बच गया तो मैं आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक कॉइन का भी बताना चाहूंगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले कर दीजिए हिट द लाइक बटन, और क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को तुरंत से शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो पाए और इस फ्री क्लास को देख पाए। ऑलराइट, तो चलिए आ जाते हैं आप क्वेश्चन पे। आज मैंने कोई पीपीटी नहीं ली है, सब क्वेश्चन मैं लिखूंगी और आप मुझे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन किस में आया है, गेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। गेट 2015 में एक क्वेश्चन आया था कि फोर कार्ड्स आर रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक, रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक, रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, ओके भाई, क्या करना है मुझे? फोर कार्ड्स का सिलेक्शन करना है। नाउ इफ द फर्स्ट टू कार्ड्स आर नो नीड ऑफ एनी बुक। अक्षय, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, अगर आप मेरा कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन में आते हैं तो नो नीड ऑफ एनी रेफरेंस बुक, नॉट ओनली इन प्रोबेबिलिटी, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए किसी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज माई नोट्स आर मोर देन इनफ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो मैं वर्कबुक दूंगी उसके अंदर भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। आई थिंक हर एक टॉपिक के मोर देन 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो नो नीड ऑफ एनी रेफरेंस बुक, अगर आप मेरा कोड यूज करके मेरी टीम में आते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी मैं आपको दूंगी, असाइनमेंट भी मैं आपको दूंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मैं आपको दूंगी। तो आपके पास इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे एक सिंगल टॉपिक के कि इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन था फोर कार्ड्स आर रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक, इफ द फर्स्ट टू कार्ड्स आर किंग देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी That the third card is a king. ठीक है, What is the probability that the third card
इज द किंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फोर कार्ड्स आर रेंडमली सेलेक्टेड, फोर कार्ड्स आर रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सो इफ द फर्स्ट टू कार्ड आर सेलेक्टेड, टू कार्ड्स आर किंग, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड कार्ड इज ए किंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई विल गिव यू सम टाइम, मैं चाहती हूँ कि आप इसको ट्राई करें, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा कि कल जो हमने पढ़ा था वो आपको समझ आया था कि नहीं आया था, ठीक है। तब तक मैं आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन निकालती हूँ, जस्ट ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि फोर कार्ड्स आर रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। इफ द फर्स्ट टू कार्ड्स आर किंग, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड कार्ड इज ए किंग। तो जो थर्ड कार्ड होगा वो भी क्या बने, वो किंग बने, ठीक है। अभी आपको यहाँ ये परेशान नहीं होना है कि यस वेरी गुड सुप्रीति, प्रिया वेरी गुड। प्रिया का फर्स्ट वाला आंसर रॉन्ग था, लेकिन नेक्स्ट वाला बिल्कुल सही है। वेरी हैप्पी विद यू गर्ल्स, वेरी गुड। तो क्या है, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि फोर कार्ड्स रेंडमली सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। लेकिन भले ही क्वेश्चन फोर की बात कर रहा है, और क्वेश्चन आपको ये भी कह रहा है कि जो रिमेनिंग आपके पास में क्या है, फोर कार्ड्स आपको सेलेक्ट करने हैं, जो फर्स्ट टू आपने सेलेक्ट किए हैं वो क्या है, वो ऑलरेडी किंग्स है। ऐसा ही तो कह रहा है, फर्स्ट टू कार्ड्स आर किंग, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड कार्ड इज ए किंग। अब बताइए कि थर्ड कार्ड भी किंग होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। इस फोर्थ वाले की तो वो बात ही नहीं कर रहा है, आपको तो बस इस थर्ड की ही बात कह रहा है, ठीक है। सो द थर्ड कार्ड इज ए किंग, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, मुझे बताइए। अगर आपने सपोज पहले सबसे पहले किंग निकाल दिया तो क्या बनेगा, 4/52 बनेगा। ये ऑलरेडी बन चुका है, इसको आपको नहीं देखना है। और इसके लिए आपने किया था तो इसके लिए अब एक किंग कम हो गया था, ये कितना बना था, 3/51 बना था। ये काम हो चुका है, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जब आपके पास टोटल 52 कार्ड्स थे स्टूडेंट्स, तो आपने उसमें से दो किंग बाहर निकाल लिए, अभी पैक में कितने कार्ड्स रह गए। आपके पास टोटल 52 कार्ड्स थे, आपने उसमें से टू कार्ड्स ड्रॉन कर लिए। नाउ हाउ मेनी कार्ड्स आर रिमेनिंग इन पैक, तो आप कहेंगे उसके अंदर 50 कार्ड्स रह गए हैं, राइट। क्योंकि मुझे सिर्फ इसी की निकालनी है, थर्ड कार्ड किंग आ जाए मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, थर्ड कार्ड क्या हो, किंग हो, मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा यहाँ पे कि आपके पास अब जो आप सिलेक्शन करेंगे वो किस में से करेंगे, वो 50 कार्ड्स में से करेंगे। क्या ये बात समझ आई, वेरी गुड, सभी को आगे समझ में, वेरी गुड गाइस, सबको समझ में आ गया। नाउ अब मुझे बताइए, आप ऑलरेडी टू किंग्स ले चुके हैं और एक जो आपका पैक ऑफ कार्ड होता है उसके अंदर टोटल फोर ही तो किंग होते हैं, अभी किंग कितने रिमेनिंग रह गए स्टूडेंट्स। तो आप कहेंगे टू हम ऑलरेडी ले चुके हैं, टू रह गए, इज इट क्लियर, यस एग्जैक्टली क्लियर। इस टू किंग्स में से मुझे कितना सेलेक्ट करना है, वन करना है, सो दैट इज नथिंग बट 2c1। फिर टोटल में से मुझे कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, वन करने हैं, सो दैट इज नथिंग बट 50c1। तो 2/50 लिखे या 1/25 लिखे, बात यही है, ये ही हमारा राइट आंसर है, यस एग्जैक्टली अभिषेक, ठीक है। तो कितने रह जाएंगे, टू रह जाएंगे, वेरी गुड कांची। तो यहाँ हमारे पास रह गया 1/25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/25। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इज इट क्लियर टू एवरीवन। क्या ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ पाए हैं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ अभी भी कह रही हूँ, प्रोबेबिलिटी तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन का सेंस पकड़ेंगे, जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो प्रोबेबिलिटी डन है, ठीक है। और ये कब समझ में आएगा, ये ऑब्जर्वेशन से समझ में आएगा। क्वेश्चन को तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि आपको क्वेश्चन खुद से आंसर ना दे दे। एक बार में नहीं समझ में आएगी लैंग्वेज, दो बार में नहीं आएगी, लेकिन फिर तीसरी बार में तो आ ही जाएगी, राइट। तो क्वेश्चन को क्या करते रहिए, रीड एंड रीड करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या कह रहे थे हम आपको, ये बता दिया है आपको, सब कुछ क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन हमारे पास में है, किसका है, इसी का है, प्रोबेबिलिटी का है, कहाँ गया क्वेश्चन, यस ये रहा, राइट। तो क्वेश्चन है हमारे पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2007 के अंदर, गेट 2007 के अंदर। क्वेश्चन है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रेंडम इन सक्सेशन, मतलब क्या हुआ, एक के बाद एक निकाले गए हैं, राइट, विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ऑल राइट, ठीक है, ये तो गिवन है। नाउ व्हाट क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ एसेस इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ एसेस इज, एस निकालना है आपको, इक्का निकालना है आपको, दोनों के दोनों आने चाहिए इक्के, राइट। क्वेश्चन लिख रहे हैं अक्षय, हैड यू टेक सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, अगर ले लिया है सब्सक्रिप्शन तो भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं लिया है तो भी इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। गो क्रिएटिव क्वेश्चन लिख रहे हैं क्योंकि आज मैंने भाई, देखिए यहाँ पे उन्हीं बच्चों का वेलकम है जो एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मिस्टर ईएस डिजिटल आप आराम से देख लीजिए, जहां जो आपको देखना है जाके, पर जो लोग पढ़ रहे हैं सिंसियरली डोंट डिस्टर्ब देम, ठीक है, आराम से पढ़िए, आपको जहां पढ़ना है जो पढ़ना है, पर जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना करें प्लीज, ऑल राइट, ठीक है। हाँ तो मुझे बताइए क्वेश्चन क्या था, मैं भूल जाऊंगी वापस, 52 कार्ड्स है, दोनों के दोनों ऐसा है, वेरी गुड वेरी गुड, निहार और क्या है, कांची, सुप्रीति, संदीप, अजय, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही है, टू कार्ड्स निकालने हैं, वन बाई वन करके निकालने हैं, दोनों के दोनों एस आए तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले मुझे बताइए टोटल एस कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विद रिप्लेसमेंट, मतलब जिस कार्ड को निकाल दिया है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप फिर से एड भी कर सकते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर रिप्लेसमेंट अलाउ है आपके पास, तो अगर रिप्लेसमेंट अलाउ है तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, रिप्लेसमेंट अलाउ है तो मेरे पास क्या है, 4 कार्ड्स है, मतलब 4 एसेज है, मुझे 1 चाहिए तो 4C1/52C1 ये बन जाएगा। अभी दोबारा मुझे क्या करना है, 1 कार्ड और निकालना है, और इस बार भी मेरे पास नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स कितने रहेंगे, 52C1 रहेंगे, और यहाँ पे टोटल क्या रहेगा, 4 रहेगा, क्योंकि जिस कार्ड को आप ड्रॉ कर चुके हो उसको आप दोबारा पैक में ऐड कर सकते हैं। दिस इज द सेंस ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अंदर रिप्लेसमेंट अलाउ है, जो क्वेश्चन आपने निकाला है, सॉरी जो कार्ड आपने निकाला है उसको फिर से ऐड कर सकते हो, ठीक है। कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहां पे 2 जैक्स या 2 किंग्स वाला था, लेकिन वहां रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं था, तो आपको ध्यान होगा हमने किया था 4/52 और इनटू कितना था 3/51, और वहां मैंने एक बात बता दी थी कि जब कभी भी विदाउट रिप्लेसमेंट की बात आएगी स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब आप वहां पे कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, आप वहां पे कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिप्लेसमेंट अलाउ है, सो दैट्स व्हाई आप यहाँ ऐसा नहीं कर देंगे कि रिप्लेसमेंट अलाउ है तो उसको कर दिया 4C2/52C2, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जब रिप्लेसमेंट अलाउ होता है तो आप इंडिविजुअल पिक करेंगे, 1 बाय 1 पिक करेंगे, लेकिन जब रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है तो आपके पास क्या चलेगा, आपके पास कॉम्बिनेशन भी वर्क करेगा, ठीक है। 1 बाय 1 तो वहां पे भी निकाल सकते हो, लेकिन उस केस में आप कॉम्बिनेशन भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है मेरी बात आपको स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर है एकदम। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ 13 टाइम्स, ये कैंसिल हुआ 13 टाइम्स, तो दिस इज नथिंग बट 1/169 हमारा आंसर होगा, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन अच्छा इसलिए है कि देखो कैटेगरी जो बनेगी क्वेश्चन की वो यही बनेगी कार्ड्स के अंदर, क्या बनेगा, विद रिप्लेसमेंट, जो कैटेगरी बन सकती है वो बनेगा विद रिप्लेसमेंट या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट,
तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट आएगा तब आप यहाँ कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। आप अगर डायरेक्टली पिक नहीं करना चाहते हैं देन यू कैन यूज कॉम्बिनेशन, लेकिन जब विद रिप्लेसमेंट की बात की जाएगी तब आप किसी भी हाल में कॉम्बिनेशन का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं करना है यहाँ, यू कैन अप्लाई द कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। स्वेक्षा का भी आंसर आ गया 1/169, वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप, आउट ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कितने कार्ड्स बता रहा है? आउट ऑफ 52 कार्ड्स फोर कार्ड्स आर ड्रॉन, आउट ऑफ 52 कार्ड्स फोर कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। कंडीशन दे दी है, रिप्लेसमेंट क्या है? अलाउ नहीं है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है भाई, तो कुछ केसेस हैं फिर आपको बताने हैं। यहाँ जो मैं फोर केसेस लिख रही हूँ इनमें से कौन कौन से ट्रू है और कौन कौन से फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट केस है कि नंबर ऑफ बेस ऑफ सेलेक्टिंग फोर कार्ड्स, नंबर ऑफ बेस ऑफ सेलेक्टिंग फोर कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज 52 सी फोर है क्या? टेल मी यस और नो, इज इट ट्रू और फॉल्स? ठीक है, टेल मी यस और नो, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या ये 52 सी फोर बनेगा क्या? सीधी सी बात है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 52 कार्ड्स है आपके पास, 52 कार्ड्स में से फोर कार्ड ड्रॉन करने हैं, रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है। ठीक है, रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग फोर कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स क्या बनेगा? ऑब्वियस है, 52 में से किसी का भी सिलेक्शन ले लीजिए। तो बता दीजिए इज इट राइट और रॉन्ग, इज इट राइट और रॉन्ग? सिलेक्शन की ही बात कर रहा है वो, सेलेक्टिंग फोर कार्ड, इट्स नॉट टेलिंग द प्रोबेबिलिटी। ट्रू है अभिषेक, एग्जैक्टली ट्रू बनेगा, क्योंकि मुझे सेलेक्ट करना है अगर 52 कार्ड्स में से फोर कार्ड्स को, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? 52 सी फोर ही तो बनेगा। ठीक है अक्षय, यू कैन व्हाट्सएप मी और कॉल मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, आपको जो डाउट है आप वहां पूछिए, पर्सनल में बात करेंगे। ठीक है ना? यस ट्रू है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी लोग, ट्रू है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। सेकंड आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बेस ऑफ सेलेक्टिंग टू रेड कार्ड्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू रेड कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 26 रेड कार्ड्स, फ्रॉम 26 रेड कार्ड्स इज 26 सी टू है क्या? टेल मी यस और नो अगेन, गेट इट? ओके अभिषेक को समझ आ गया, वेरी गुड। नाउ टेल मी नंबर ऑफ वेज ऑफ टू रेड कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 26 रेड कार्ड, तो क्या ये 26 सी टू बनेगा? यस बिल्कुल बनेगा, बहुत बेसिक सी बात है, बनेगा। यस और नो टेल मी स्टूडेंट्स? यस एग्जैक्टली बनेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपसे पूछता है, थर्ड स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी, यस 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 बनेगा, वेरी गुड ट्रू है। प्रोबेबिलिटी दैट टू आर ब्लैक एंड टू आर रेड इज 325/833। ये आपको चेक करके बताना पड़ेगा, आप चेक कीजिए जब तक मैं लास्ट जो स्टेटमेंट है वो भी लिख देती हूँ। फिर नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी दैट टू कार्ड्स आर ब्लैक एंड टू आर रेड इज वन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, राइट? हाँ, आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि टू आर ब्लैक एंड टू आर रेड, तो प्रोबेबिलिटी क्या 325/833 होती है क्या? ठीक है, आपको ये चेक करना है। हाँ, और फोर्थ स्टेटमेंट तो अभी समझाई देंगे आपको नेक्स्ट में, मैं यहां लिखती हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए आपको? टोटल हमारे पास है कितने कार्ड्स? 52 है, उसमें से आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए टू रेड और टू ब्लैक की। तो अगर आप ब्लैक की बात करेंगे
तो ब्लैक होता है 26, रेड की बात करेंगे तो रेड भी होते हैं 26। अच्छा राइट आ रहा है, तो बनेगा 26C2 टू ब्लैक की, फिर बनेगा 26C2 टू रेड की, राइट। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कार्ड्स आप कितने ले रहे हैं, टोटल कार्ड तो आप 4 ले रहे हैं, तो टोटल में से सिलेक्शन हो जाएगा 52C4 का। ये सिंपलीफाई करके बता दीजिए कि क्या ये 325/833 आता है, सिंपलीफाई करके बता दीजिए क्या ये 325/833 आता है। ठीक है, अगर आ जाएगा तो डन है, नहीं आएगा तो नहीं है। आ जाएगा मेरे ख्याल में, नहीं आ रहा है प्रिया के। 26C2 इंटू 26C2 बाय 52C4, ठीक है, यस। तो कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लो भाई, नहीं आ रहा है तो 26 इंटू 25, फिर यहाँ पे भी बन जाएगा 26 इंटू 25, ठीक है, फिर यहाँ बन जाएगा 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49। ये तो बना, और 4 है यहाँ पे, आएगा 2 यहाँ पे, आएगा 2 है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे कर रही हूँ 4 से, और नीचे 4 है तो बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बनेगा। 4 से 4 कैंसिल, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, 25 टू टाइम्स, फिर वापस 2 से 2 कैंसिल, और कुछ हो रहा है 26 टू टाइम्स, और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं दिख रहा है, तो मेरे पास रह रहा है 26 इंटू 25 बाई 2 इंटू 51 इंटू 49, और ऊपर है 3, तो 26 इंटू 25 इंटू 3 बाई 2 इंटू 51 इंटू 49। सिंपलीफाई करके बता दो, आ रहा है क्या? अजय कह रहे नहीं आ रहा है, प्रिया कह रही नहीं आ रहा है, बाकी सब कह रहे हैं कि आ रहा है। इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है कैलकुलेशन में, आना तो चाहिए 325/833। आ रहा है 8 30, मैंने क्या लिखा है, 8 क्वेश्चन में क्या लिखा है मैंने, 833 लिखा है, 883 होगा। वेट वेट वेट, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, 833 ही कह रहा है ये तो, 833 ही कह रहा है। अजय आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, बाकी लोगों के आ रहा है, इसका मतलब आपसे कुछ गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कौन था, प्रिया एंड अजय, ऑलराइट गाइस, ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नहीं हो तो फिर बताइएगा वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन हमारे पास में है। क्वेश्चन कह रहा है, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वही बात है कि 1 कार्ड का सिलेक्शन करना है, ठीक है, बात है। अभी क्या क्या होने चाहिए, उसमें से सबसे फर्स्ट थिंग है जो आपको 1 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, करना है उसमें से, फोर्थ ऑप्शन, अच्छा फोर्थ ऑप्शन रह गया, ओके अभिषेक ने बता दिया, हाँ ये रहा फोर्थ ऑप्शन आपके रह गया, ये रहा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड्स आर ब्लैक एंड 2 आर रेड, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अभी अभी हमने बता दिया था कि 2 कार्ड आर ब्लैक और 2 कार्ड आर रेड की तो प्रोबेबिलिटी ये है, तो ये 1 पहली बात हो ही नहीं सकता है, तो दिस इज नथिंग बट फॉल्स, ठीक है। अश्विनी पूछ रहे हैं डिनोमिनेटर में 4 क्यों क्यों आया है, डिनोमिनेटर में 4 क्यों आया है, यहाँ जब आप करेंगे 26C2 तो यहाँ से बनेगा 2 इंटू 1, जब आप इसको लिखेंगे फिर से 26C2 तो बनेगा 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 2 कितना बनेगा, 4 बनेगा, दैट्स व्हाई यहाँ 4 आ गया है, ठीक है, ओके। हाँ 833 ही होगा, अभी अजय कह रहे हैं 833 ही होगा, ओके वेरी गुड, ये वो तो फॉल्स था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अभी आपको बताना है सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी दैट दैट इट इज अ हार्ट, वो किसका हो, हार्ट वाला हो, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ हार्ट, चलिए बताइए हार्ट, कितने हार्ट होते हैं,
एक डेक ऑफ कार्ड के अंदर, एक डेक ऑफ कार्ड्स के अंदर मतलब 52 कार्ड्स के अंदर कितने हार्ट होते हैं? आप कहेंगे कितने होते हैं, 26 या 13? 26 होते हैं या 13 होते हैं? 13 होते हैं ना, क्योंकि रेड 26 होते हैं, उसमें से डायमंड कितने होते हैं, 13, और हार्ट कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 13 बनेंगे। मुझे चाहिए वन कार्ड, तो बन जाएगा 13C1/52C1। मैं लिखूं उससे पहले आंसर बता देना, 13/52 कितना आ रहा है? यस, 13/52 कितना आ रहा है? 1/4 आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है बात बिल्कुल? यस, 0.25 आ जाएगा। वेरी गुड, ऑल राइट। नाउ अब मैं आपसे पूछती हूँ नेक्स्ट थिंग, कि आप जो वन कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो? वो फेस कार्ड हो। प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज फेस कार्ड, द कार्ड इज फेस कार्ड। अभी सोचना पड़ेगा फेस कार्ड कितने होते हैं। मुझे क्या चाहिए? फेस कार्ड चाहिए, ठीक है। वन कार्ड निकाल रहे हैं और वो फेस कार्ड आ जाए, तो फेस कार्ड क्या होते हैं? पहली बात तो फेस कार्ड होते हैं किंग, क्वीन और जैक। इन सिंगल सेगमेंट आपके पास 3 फेस कार्ड होते हैं, लेकिन टोटल अगर कार्ड्स की बात की जाएगी पैक ऑफ कार्ड्स के अंदर, तो टोटल 22 कार्ड्स होते हैं जो फेस कार्ड हैं। आपसे पूछ रहा है कि वन कार्ड आपको ड्रॉ करना है वो फेस कार्ड आ जाए, तो आप लिखेंगे ना 12C1/52C1। यस, दैट इज 12/52। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 3/13। वेरी गुड, किसने बताया ये आंसर? अभी अभी सुप्रीति ने बताया। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है? 12/52 या 3/13, ऑल आर राइट। तो बता दिया था किसने? कांची ने, प्रिया ने, आदित्य, अजय, सभी लोगों ने सही बताया है। वेरी गुड, ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। थर्ड केस पूछता है आपसे कि बताइए जो कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज हार्ट ऑफ ए फेस कार्ड। कार्ड इज हार्ट ऑफ ए फेस कार्ड, हार्ट ऑफ फेस कार्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दो चीजों को मिक्स कर दिया है, हार्ट ऑफ फेस कार्ड, ठीक है, ये बताना है अब आपको। हार्ट ऑफ फेस कार्ड क्या बनेगा? अच्छा, टोटल फेस कार्ड तो 12 होते हैं, उसमें से हार्ट की आप बात कर रहे हो, तो हार्ट ऑफ फेस कार्ड क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, बता दीजिएगा। हार्ट ऑफ फेस कार्ड, स्वेच्छा, सही आंसर था आपका पहले वाला, 3/13। नाउ लेट्स ट्राई दिस वन, इसका आंसर कितना आएगा? हार्ट ऑफ फेस कार्ड 3/52, 3/52 आएगा। ओके, चेक कर लीजिए आराम से, क्योंकि फेस कार्ड की बात की जा रही है और हार्ट की बात की जा रही है। आदित्य कह रहे हैं 1/17। ओके, यस, हाँ, दैट इज द सेम थिंग, 3/52 सभी लोग कह रहे हैं। चलिए बात करते हैं हार्ट ऑफ फेस कार्ड की। तो सबसे पहले फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? फेस कार्ड होते हैं टोटल 12, लेकिन मुझे टोटल से मतलब नहीं है, मुझे हार्ट वाले सेगमेंट से मतलब है। हार्ट वाले सेगमेंट में फेस कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेरी गुड, और मुझे चाहिए हार्ट ऑफ ए फेस कार्ड, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 3/52 बनेगा। कैसे बनेगा 3/52? कि हार्ट ऑफ ए फेस कार्ड की बात कर रहा है, फेस कार्ड आपके पास में कितने हैं? 12 है, और उसमें से हार्ट कितने हैं? हार्ट तो 3 होते हैं ना, ठीक है, कौन कौन सा होता है? किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है, एग्जैक्टली। और टोटल कार्ड्स मेरे पास क्या बन जाएगा? टोटल कार्ड्स मेरे पास बनेंगे कितने? 52, तो बन जाएगा 3/52। यस, 11/26 कैसे लिख रहे हैं आप, ठीक है, राइट, 3/52 बन जाएगा, क्योंकि फेस कार्ड के अंदर क्या ऐड नहीं करना है? फेस कार्ड के अंदर एस को ऐड नहीं करना है। अगर आप एस को ऐड नहीं करेंगे तो किंग, क्वीन और जैक। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो कार्ड आप निकालें वो किंग, क्वीन और जैक में से एक हो, और वो किसका हो? हार्ट का हो। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ रहा है, किंग, क्वीन और जैक में से एक हो और वो हार्ट का हो, तो ये रहा फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं इसके, तो 3/52 बन जाएगा। वेरी गुड गाइस, अच्छा बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ा देते हैं। और इधर है फेस कार्ड और है हार्ट,
इधर है फेस कार्ड, क्या है फोर्थ है, इधर है फेस कार्ड और है हार्ट, इधर है फेस कार्ड और है हार्ट, बताइएगा, ट्राई कीजिए इसको, या तो फेस कार्ड हो या फिर हार्ट हो। यस, इधर है फेस कार्ड और हार्ट, ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था, आपको ध्यान होगा, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था कि भाई जब फेस कार्ड की बात की जा रही है तो फेस कार्ड का नंबर क्या होगा, फेस कार्ड में तो 12 होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन 12 के अंदर हार्ट वाले भी तो कार्ड्स होंगे, राइट। 4/13 नहीं आएगा, क्या बनेगा, आराम से सोचिए, फेस कार्ड होते हैं, 16/52 भी नहीं आएगा, फेस कार्ड होते हैं क्या हमारे पास में 12, ठीक है, और हार्ट के कार्ड होंगे कितने आपके पास, ऐसे ले लो ना, सिंपल लैंग्वेज में समझो ना, फेस कार्ड होते हैं 12, हार्ट वाले कितने कार्ड होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन अगर मैं हार्ट के फेस कार्ड की बात करूंगी तो वो कितने होते हैं, वो 3 होते हैं, ऐसे समझिए बात को, आप थोड़ा ठीक से समझ पाएंगे, क्या है फिर से सुनिए, नंबर ऑफ फेस कार्ड क्या होता है, 12 होता है, अच्छा नंबर ऑफ हार्ट्स क्या होते हैं, 13 होते हैं, लेकिन इन हार्ट्स के अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो फेस कार्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो वो कितने हैं, 3 है, तो क्या मैं ऐसा लिखूं क्या, या तो मैं लिखूं उसको कितना, 1 सिलेक्शन करना है तो या तो मैं लिखूं 12/52, ठीक है, या फिर मैं लिखूं क्या 13/52, बनना तो यही चाहिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि बताइए कि वो फेस कार्ड है या हार्ट है, तो आप क्या कहेंगे, भाई या तो वो फेस कार्ड बन जाए, जो कार्ड मुझे चाहिए या तो वो इस सेगमेंट में से आ जाए या फिर वो इसमें से आ जाए, लेकिन ये हो गया इधर और वाला कंडीशन, लेकिन यहाँ पे कुछ कार्ड ऐसे भी होंगे जो दोनों कैटेगरी के हैं, मतलब जो फेस कार्ड भी है और हार्ट भी है, तो उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3/52, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स, कैन यू गेटिंग माई पॉइंट, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं, हाँ आ गया, काची को आ गया, वेरी गुड, अश्विनी को भी आ गया, तो क्या है, देखिए बात यही है कि यहाँ पे नंबर ऑफ फेस कार्ड क्या है, आपको ध्यान ये रखना है कि नंबर ऑफ फेस कार्ड क्या है, 12 है, अच्छा क्वेश्चन ऐसा होता किंग और जैक वाला, आपको ध्यान है कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था किंग और जैक वाला, और एक क्वेश्चन किया था डायमंड और किंग वाला, रिमेम्बर डायमंड और किंग वाला क्वेश्चन किया था, तो डायमंड और किंग में आप क्या कहते हैं कि भाई डायमंड वाले नंबर्स, अगर मैं आपसे पूछूं यही क्वेश्चन कि डायमंड और किंग बताइए, तो आप क्या कहते हैं, डायमंड तो होते हैं 13 और किंग होते हैं 4, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन 4 किंग में से एक डायमंड का भी होता है, इसलिए आपने क्या किया था, आपने डायमंड एंड किंग वाला कैटेगरी लेके यहाँ 1 कर दिया था ना माइनस, तो मतलब 13/52 करूं, 4/52 करूं और 1/50 करूं, बात तो वही हो गई, हो गई ना बात, तो वही सिमिलरली अगर आप चाहें तो उसको ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या कि फेस कार्ड आपने ले लिए 12/52, अब आप क्या करें, वो जो फेस कार्ड है हार्ट वाले, उनमें उनमें क्या है, उनमें 3 कार्ड्स वो भी हैं जो किसके हैं, फेस वाले हैं या हार्ट के हैं, तो इधर आप क्या करें, या तो आप यहाँ कर दें 10/52, तो आपको बात समझ में आ जाएगी, या फिर आप क्या करें, आप इंडिविजुअल कैटेगराइज कर लीजिए, ये रहे फेस कार्ड, ये रहे हार्ट वाले कार्ड, और ये रहे वो कार्ड जिनमें फेस कार्ड और हार्ट दोनों आ रहा है, ठीक है, ये रहे फेस वाले कार्ड, ये रहे हार्ट वाले कार्ड, और ये रहे वो कार्ड जिनमें फेस और हार्ट दोनों आ रहा है, कैन यू गेटिंग, यस वेरी गुड, किसने बता दिया, सुप्रीति, अभिषेक, जिनेश, यस जिनेश का भी सही है बाद में, अभिषेक, और ओके, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स हम, तो ये क्या बन जाएगा, आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस मुझे सिंपल सी लैंग्वेज में मिल जाएगा 13/52 प्लस कितना था 12/52 और माइनस कितना है, माइनस से 3/52, तो मुझे मिल जाने वाला है सीधा सीधा 13 + 12 बन जाएगा कितना 25 - 3, सो दैट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाने वाला है 22/52, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 11/26, 2 से कैंसिल हो रहा है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, वेरी गुड, क्लियर, सभी को क्लियर,
है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे कार्ड्स के अंदर मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ऑल टाइप्स, ऑल वैरायटी को मैंने आपको डिस्कस किया है आपके सामने, ऑल टाइप्स ऑफ कार्ड बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सारे अच्छे अच्छे बता दिए हैं, वैरायटी सारी मैंने आपको बता दी है, पैटर्न मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इसके अलावा गेट क्या किसी और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं आता है कार्ड का। इनके अलावा जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, इनके अलावा गेट और इंजीनियरिंग सर्विस के अलावा, इन दोनों एग्जाम्स के अलावा भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, कैट लेवल तक की बात कर रही हूँ मैं, कैट की बात कर लीजिए, एसएससी की बात कर लीजिए, बैंकिंग की बात कर लीजिए, कहीं पे भी इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं बनता है कार्ड्स का, ठीक है। हाँ, मुझे पता है ये याद दिलाओगे तो। चलिए अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कॉइन वाला, वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो उसको लिखना भी पड़ेगा आपको। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या एक क्वेश्चन है, ये आया था गेट 2000, कौन से ईयर का है ये, 2016 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, फिर बात की जाएगी। तो स्टेप वन क्या है, स्टेप वन कहती है फ्लिप ए फेयर कॉइन, फ्लिप ए फेयर कॉइन ट्वाइस। सबसे पहला काम, क्वेश्चन सुनना आराम से, मैं पहले लिख लेती हूँ पूरा फिर आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है फ्लिप ए फेयर कॉइन ट्वाइस, ओके। नाउ सेकंड थिंग आपको बोलता है कि इफ द आउटकम्स आर टेल्स एंड हेड्स, टेल्स और कॉमा हेड्स, देन द आउटपुट इज, देन द आउटपुट इज वाई। ये सीएस 2016 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, आउटपुट इज वाई एंड स्टॉप। फिर बात करते हैं थर्ड स्टेप की, थर्ड स्टेप बोलता है कि इफ द आउटकम्स आर इधर हेड हेड और हेड टेल, देन द आउटपुट इज एन एंड स्टॉप। तब आप क्या कहेंगे, आउटपुट आपका एन है और आप रुक जाएंगे, ठीक है। फिर और आगे कहता है, क्वेश्चन काफी बड़ा है, अच्छा यहां लेते हैं पीछे। फिर क्या कहता है क्वेश्चन, फिर कहता है फाइनल स्टेप, फोर्थ स्टेप में, कि इफ द आउटकम्स आर टेल्स एंड टेल्स, इफ द आउटकम्स आर टेल्स एंड टेल्स, टेल टेल है, देन गो टू स्टेप वन अगेन, देन गो टू स्टेप वन, ठीक है। ये सारा काम आपको करना है। अब नाउ ये तो करना है, अब निकालना क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटपुट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज वाई, आउटपुट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज वाई, ठीक है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीएस 2016 में पूछा गया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपको फिर से समझाती हूँ, सुनना आराम से। क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्या करना है, अपने आप के समझ में आ जाएगा, सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। मतलब हम जस्ट लाइक कि हम एक गेम खेल रहे हैं, ऐसे समझिए कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ एक गेम खेल रहे हैं, और गेम में आपको कहा गया है क्या कि सबसे पहले फ्लिप ए फेयर कॉइन ट्वाइस, एक कॉइन को दो बार उछालना है, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ सेकंड कह रहा है, नहीं ये 1/2 नहीं है, किसने बोला, अभिषेक ने, नहीं है, अभिषेक को नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, जल्दी नहीं कीजिए, होल्ड कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को समझो, पेशेंस रखो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, फ्लिप ए फेयर कॉइन ट्वाइस, ठीक है, कॉइन को फ्लिप करना है 2 टाइम्स। फिर क्या करना है, आपने फ्लिप किया तो अगर आपके पास आउटकम्स क्या आया, टेल और हेड, मतलब टेल हेड आया तो आप कहेंगे उसका नाम क्या दे देना है आपको, उसका नाम आपको वाई दे देना है, ठीक है। आपके पास अगर आउटकम क्या आया, टेल और हेड आया, तो उसका नाम वाई दे देना है और वहीं रुक जाना है, स्टॉप, आगे टॉस नहीं करना है। लेकिन क्या हुआ,
कि अगर आपके पास आउटकम हेड हेड या हेड टेल में से कुछ आया तो आप उसको नाम दे देंगे एन और फिर से वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। और लास्ट केस है कि अगर आपके पास आउटकम क्या आया, टेल टेल आया, तो आप फिर से स्टेप वन पे जाएंगे। स्टेप वन क्या है, फिर से आप कॉइन को दो बार टॉस करेंगे। इज इट क्लियर? क्वेश्चन की लैंग्वेज कितने लोगों को समझ में आई है मुझे बस यस और नो में आंसर दीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ रही हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज कितने लोगों को समझ में आ गई है, क्योंकि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। टेल मी यस और नो, लैंग्वेज कितने लोगों को समझ में आई? ओके, सभी को आगे, चलिए बहुत अच्छी बात है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन को, बहुत आराम से समझना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर यहीं हो जाएगी अभी की अभी। एक कॉइन है मेरे पास, ये रहा मेरा कॉइन, ठीक है। मान लिया 10 रुपए का कॉइन है, कुछ भी हो सकता है, मेरी मर्जी है, मैंने 10 रुपीज ले लिया है। तो एक कॉइन हमारे पास में है, इस कॉइन को हमने क्या किया, टॉस किया, ये टॉस किया, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल एग्री करना भी चाहिए। अभी क्या करना है, कॉइन को 2 टाइम टॉस करना है। तो जब आपने एक बार टॉस किया तो हेड या टेल आएगा। अब जब हेड आया तो आपने क्या किया, फिर से टॉस किया। फिर से टॉस करोगे तो अभी आउटकम क्या बन जाएगा, अब फिर से हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। एग्री करते हैं? बिल्कुल। जब टेल वाले पोर्शन से आपने टॉस किया तभी भी यही बनेगा, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? यस करते हैं। लेकिन मैं आपसे आउटकम पूछूं, जब फर्स्ट टाइम आपके पास हेड आया था तब आपने दोबारा उसको टॉस किया तो आपके पास हेड आ गया, लेकिन उस टॉस करने की पोजीशन पे टोटल आउटकम क्या हो गया, क्या ये हेड हेड बना था? यस, बिल्कुल एग्री करेंगे आप ये बात इससे। क्या ये हेड टेल बना था, क्योंकि हेड तो पहले से ही था ना, तो अब ये क्या बना, पहले हेड हेड बना या फिर हेड टेल बना। सिमिलरली जब आपने टेल वाले पोर्शन को टॉस किया था तो ये क्या बना, या टेल हेड बनेगा या फिर टेल टेल बनेगा। क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं? टेल मी यस और नो स्टूडेंट्स, क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं जो मैंने यहाँ नोट डाउन किया है? राइट, ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, सुनना आराम से। नहीं समझ में आया होगा तो अब आ जाना चाहिए, अगर अभी तक नहीं आया था तो अब आ जाना चाहिए, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉइन आपके पास है, आपने उसको सबसे पहले टॉस किया, आपने टॉस किया तो आउटकम या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जब आप हेड वाले पोर्शन को दोबारा टॉस करोगे तो उसपे भी आउटकम या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन उसपे तो पहले से ही एक बार तो हेड था ना। तो मुझे अगर किसी ने पूछ लिया कि जब आपने दोबारा टॉस किया तब तक उस पोजीशन तक टोटल आउटकम्स क्या क्या हो गए थे, तो आप कहोगे कि पहले हेड आया था और अभी भी हेड आया, तो ये बन गया आउटकम हेड हेड। फिर आप कहेंगे कि पहले हेड आया था और अभी टेल आया है, तो ये हेड टेल बन जाएगा, एग्जैक्टली बन जाएगा। सिमिलरली जब आप टेल वाले पोर्शन को करते हैं तो टेल तो एक बार पहले से है ही उसपे, अब आपने उसको दोबारा टॉस किया है तो दोबारा टॉस में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, क्लियर है बात, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, अभी क्वेश्चन आपसे कह रहा है, स्टूडेंट्स कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर आपका आउटकम टेल्स एंड हेड है तो आप उसको क्या दे देंगे, वाई दे देंगे। क्या ये आपको टेल्स और हेड दिखाई दे रहा है? यस, मुझे ये टेल्स और हेड दिखाई दे रहा है। क्या मैं इसको वाई दे दूं? यस, मैंने उसको वाई दे दिया, ठीक है, राइट। इसके अलावा आपको क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसके अलावा चेंज द कलर, चलिए येलो लेते। इसके अलावा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अगर हेड हेड आया, ये रहा हेड हेड, या फिर आपके पास हेड टेल आया, ये रहा हेड टेल, इसको क्या दे देंगे, एन दे देंगे। ये दोनों के दोनों एन है और वही रुक जाएंगे, रुक गए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि अगर आपके पास टेल टेल आया आपको क्या करना है, फिर से स्टेप वन पे चले जाइए, फिर से इसका 2 टाइम टॉस करेंगे। इज इट क्लियर? यस, क्लियर है। तो फिर से 2 टाइम टॉस करो, 2 टाइम टॉस करोगे तो यहाँ ऑलरेडी 2 पोजीशन पे कुछ है, अब क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर ऑलरेडी 2 पे कुछ है तो टेल आएगा। अब 2 पे कुछ क्या है, ये है आपके पास पहले से ही टेल टेल हेड, और ये है आपके पास पहले से ही टेल टेल टेल। ये बात समझनी जरूरी है,
ठीक है। अब इसको टू टाइम्स करना है, ये कर देते हैं टू टाइम, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो जब टू टाइम करेंगे तो ऑलरेडी थ्री पोजीशन पे पहले से ही कुछ है, अब यहाँ कुछ नया आएगा, नया क्या आएगा, हेड आएगा। और यहाँ पे सिमिलरली ऑलरेडी थ्री पोजीशन पे कुछ है, यहाँ कुछ नया आएगा, क्या आएगा, टेल आएगा। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? यस बिल्कुल बिल्कुल, अब आप मेरी बात को समझ गए हैं। वेरी गुड, प्रिया और अजय मेरी बात को समझ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बनेगा, वन टू थ्री, और फिर से यहाँ पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। फिर से यहाँ बनेगा तो वन टू थ्री, और यहाँ क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो रिमेनिंग आउटकम्स क्या है, यहाँ है टेल टेल हेड हेड, टेल 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 टेल, फिर है टेल 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 हेड, और टेल 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 और टेल। ठीक है, मुझे वाई के लिए निकालना है। वाई कब बन रहा है, वाई बन रहा है जब लास्ट में टेल और हेड आना चाहिए। ये वाई है क्या, नहीं है। ये वाई है क्या, नहीं है। ये वाई है क्या, हाँ है, तो ये वाई बन रहा है। ठीक है, ये वाई है क्या, नहीं है। ये तो वाई नहीं है, इसको तो दोबारा करना पड़ जाएगा क्योंकि टेल टेल बन रहा है, और ये प्रोसेस आगे 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 जाता जाएगा। कितने स्टूडेंट्स को मेरी ये बात समझ आ गई है, टेल मी यस और नो। कितने स्टूडेंट्स को मेरी ये बात समझ में आ गई है, जस्ट टेल मी यस और नो। मैंने ये सारा सीन बना दिया है जो क्वेश्चन कह रहा है, बस मैंने उसको इस डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया है। यस यस यस, वेरी गुड, सभी को आ गई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हमारी रिक्वायरमेंट है सबसे पहले ये, ठीक है, और दूसरी रिक्वायरमेंट है ये, और फिर ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या कह देंगे? अगर मैं आपसे पूछूं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या कह देंगे? आप कहेंगे कि ये बनेगा इधर इट इज टेल हेड, और इट इज टेल 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 हेड। अच्छा, नेक्स्ट केस क्या बनेगा? टेल 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 टेल, फोर टाइम आएगा ना, और कितनी, फोर टाइम आएगा कि सिक्स टाइम आएगा, या वन था या थ्री है, अभी क्या आएगा, फाइव आएगा, और सिक्स पोजिशन पे नंबर आएगा। ठीक है, तो फाइव टाइम आ जाएगा क्योंकि थ्री तो पहले से ही है, फिर दो बार करना है तो टेल टेल बनेगा, तो फाइव नंबर पे आ जाएगा, फिर हेड बन जाएगा, और ये प्रोसेस क्या होगा, आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता है। हाँ, अभी रिपीट करते हैं बजरंगी। ठीक है, इसको सॉल्व करना तो आपको आता है, कैसे सॉल्व करते हैं? ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, हेड आने की भी 1/2 है, तो ये बन जाएगा 1/4। फिर यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, तो मैं लिख दूं क्या इसको, 1/2 की पावर 4। ठीक है, फिर यहाँ लिख दूं क्या, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 4, फिर 1/2 की पावर 6, एंड ऑन ये चलता जाएगा। अरे ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, जिसके लिए ए बन रहा है 1/2, आप चाहो तो इसमें से 1/2 की पावर 2 कॉमन ले लो, नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये बन जाएगा 1 + 1/2 का स्क्वायर + 1/2 की पावर 4, एंड ऑन चलते जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ लिख देती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जाना चाह रही हूँ मैं। तो यहाँ बन जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर, कॉमन रेशियो आ रहा है 1/4, तो 1 - 1/4 बन जाएगा, दैट इज 3/4, तो यहाँ बनेगा 1/4 इंटू कितना हो जाएगा, 4/3, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1/3। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक बताने को बोलेगा तो ये लो 0.33, ज्यादा बोलेगा तो और आगे बढ़ाते जाएंगे। Is it clear to everyone? Now tell me yes or no. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। एक कॉइन हमारे पास में है, वेरी गुड, एक कॉइन हमारे पास में है, उसको टॉस करना है टू टाइम्स। तो फर्स्ट टाइम टॉस किया, ये क्या है, फर्स्ट टॉस है, फर्स्ट टाइम टॉस किया तो हेड और टेल आ सकता है। दोबारा टॉस करोगे तो अब ऑलरेडी एक बार तो हेड है, फिर से हेड और टेल आ सकता है। जो टोटल आउटकम से सेकंड टॉस के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर, वो क्या बनेंगे, वो हेड हेड बनेंगे या फिर हेड टेल बनेंगे। सिमिलरली टेल हेड बनेगा या फिर टेल टेल बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है बाकी कुछ भी आए, मतलब हेड हेड या हेड टेल आए, तो आप उसको एन नाम दे दीजिए और रुक जाइए, और अगर टेल हेड आता है तो उसको वाई नाम दे दीजिए और रुक जाइए, और अगर आपके पास टेल टेल आता है तो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये फिर से टेल टेल आया, तो अब टेल टेल आया तो अब क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। फिर से इसको दो बार करना है, ये दो बार कर दिया, जितने केसेस बन सकते थे बना दिए। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए,
मजेदार है। हाँ बहुत मजेदार है। तो प्रोबेबिलिटी बताइए क्या कि वाई आ जाए, आउटपुट क्या हो, वाई हो, तो ये रहा आउटपुट वाई, ये रहा आउटपुट वाई, और ऐसे और आगे करेंगे तो चलता जाएगा आउटपुट वाई। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस क्लियर है। तो आज का क्लास हम यहाँ समाप्त करेंगे। आपको जो भी आज पढ़ाया अच्छा लगा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ इस लिंक को अपने कॉलेज के ग्रुप में, आप जहाँ जिस किसी भी कॉलेज से हैं, आपके सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इस जो हमने कंटेंट पढ़ा है इसका बेनिफिट उठा पाए, और वो भी हमारी टीम में जुड़ जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मैथगेट ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी इसी नाम से है मैथगेट, टेलीग्राम ग्रुप भी इसी नाम से है मैथगेट नाम से है, तो आप उस मैथगेट ग्रुप में टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप पे ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो कोड आपको यूज करना है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वो होना चाहिए मैथगेट 10। ये मैथगेट 10 यूज करने के बाद आपको अमेजिंग बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये सारे के सारे आपको वर्कबुक मिलेगी, सो दैट आप किसी और रेफरेंस बुक की तरफ देखेंगे भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी देखने की। ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी, आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे डेली, और वीकली बेसिस पे टेस्ट सीरीज होंगी, वीकली क्विज होंगे, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगी, लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो और सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अब ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जीए प्लस डैशबोर्ड पे स्टार्ट करने वाले हैं, और उसको हम स्ट्रक्चर मैनर में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर मैनर में पढ़ने के लिए जल्दी से जल्दी मेरी टीम में ज्वाइन हो जाइए। हाँ नोट्स नहीं देने वाले थे, वर्कबुक देने वाले थे, देंगे बहुत जल्दी देंगे। ठीक है, तो वर्कबुक भी आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑलराइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जल्दी से जल्दी इस लिंक को सब लोगों में शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे हम इवनिंग में कितनी बजे? इवनिंग में हम मिलते हैं 7 PM पे। लेट्स मीट एट 7 PM इन इवनिंग। ओके, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।